खबर मैनपुरी जनपद के तहसील कुरावली में जनसभा को संबोधित करने का है, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के लिए वोट करें। तो आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने सभी से रघुराज शाक्य को वोट करने की अपील की। मैनपुरी क्षेत्र में कई जगह प्रोग्राम लगा था, यही कारण रहा कि तय समय से 3 घंटे लेट पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव है, जिसके लिए बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। मैनपुरी सीट जो कि सपा का किला कहे जाने वाली सीट है, जिसको भेदने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गजों की पूरी टीम मैदान में उतार रखी है। सपा के इस किले को भेदने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री को भी आना पड़ रहा है। इसी क्रम में बुधवार के दिन करावली के गंगापुर मैदान में केशव प्रसाद मौर्य ने आकर सपा पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। पिछड़े वर्ग के एक एक भाई बहन है, अगले वर्ग के एक एक भाई बहन है, अनुसूचित वर्ग के एक एक भाई बहन है। देश और प्रदेश की आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार मिलकर के सबका साथ सबका विकास अगर कर रही है तो सबका आशीर्वाद प्राप्त करने का हम निवेदन भी कर रहे हैं। और अभी तो आपने मैनपुरी में गुंडागर्दी देखी है, विकास की असली पिक्चर तो अब आपको हम 8 दिसंबर के बाद यहां पर दिखाने का काम करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है। 8 दिसंबर तक आचार संहिता का प्रभाव रहेगा और 8 दिसंबर के बाद एक तरफ भारत सरकार के मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, प्रदेश सरकार के हमारे कैबिनेट के साथी और आपके विधायक आदरणीय जयवीर जी, और मैनपुरी के आप सबके आशीर्वाद से 8 तारीख को सांसद बनकर के दिल्ली पहुंचने वाले श्री रघुराज साक्षी।